सीजन 17 टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। शो में तमाम कंटेस्टेंट जमकर धमाल मचा रहे हैं और ऑडियंस का भी खूब एंटरटेन कर रहे हैं। इन सब के बीच सलमान खान की इस रियलिटी शो में अब तक कई सारे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हो चुकी हैं। अब हाल ही में बिग बॉस के घर में के पॉप सिंगर ओरा ने भी एंट्री की थी। ओरा के आने से बिग बॉस के घर में नई ताजगी देखने को मिल रही है। हालांकि शो में बिग बॉस ने ओरा को कुछ ऐसा कहकर वेलकम किया था कि अब कोरिया में इसकी खूब खिल्ले उड़ रही है। दरअसल बिग बॉस ने के पॉप सेंसेशन ओरा का घर में गर्मजोशी के साथ वेलकम किया था। इस दौरान बिग बॉस ने ओरा को ओनियन गो बोल दिया था। साउथ कोरिया में अब बिग बॉस के इसी शब्द का खूब मजाक बनाया जा रहा है। साउथ कोरिया के लोग बिग बॉस के ओनियन गो बोलने पर रील्स और वीडियोस बनाकर खूब खिल्ले उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरिया में ओनियन गो का मतलब होता है नमस्ते, लेकिन बिग बॉस ने जब ओरा को घर में वेलकम किया तो उन्होंने ओनियन गो को बोलने के बजाय ओनियन गो बोल दिया। बस फिर क्या था, बिग बॉस का ये शब्द कोरिया वालों ने पकड़ लिया और अब इस पर खूब रील्स बनाई जा रही है। यहाँ तक एक फैशन शो के दौरान कोरियन मॉडल भी ओनियन गो बोलकर बिग बॉस 17 का मजाक उड़ाती दिखी। विदेशी मेहमान के वेलकम के दौरान ओनियन गो बोलने पर देश में भी बिग बॉस 17 को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा कि बिग बॉस करवा ली अपनी बेइज्जती कोरिया में। एक और यूजर ने लिखा कि बिग बॉस इंटरनेशनल फेमस होने के चक्कर में इंटरनेशनल लेवल पर मोए मोए हो गया है उनका। एक और यूजर ने लिखा कि बन गया सलमान खान का मजाक कोरिया में। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।